भी मैं कल सुन रही थी कि सुशासन दिवस पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने जो है पारदर्शिता करप्शन फ्री स्टेट बना दिया है, तो शर्म आनी चाहिए सरकार को, ऐसे ऐसे वायदे करती है। युवाओं के साथ बहुत बड़ा एक भद्दा मजाक है, कहाँ तो करोड़ों रुपए जो संवैधानिक हमारा इंस्टीट्यूशन है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन उसमें पाए जा रहे हैं, दूसरा पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी की मिल रही हैं, 28 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और बार बार भर्तियां कैंसिल हो रही हैं। तो हमने इसकी मांग की है, हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। और जिस प्रकार से 2004 में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब सिफारिश की थी और सुप्रीम कोर्ट से जो है एचपीएससी पूरी तरह से भंग हुई, इस तरह की सिफारिश सरकार को करनी चाहिए, साथ ही साथ में सिटिंग जज से, हाईकोर्ट के जज से या सीबीआई से इसकी जाँच होनी चाहिए, ताकि हमें ये पता चल पाए जो एचसीएस प्रीलिम्स का, डेंटल सर्जन का या जुडिशरी का जो और एग्ज़ाम हुए हैं उनका क्या भविष्य है। तो मैं समझती हूँ हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकार कर रही है और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज आम जनमानस में इसका बहुत ज़्यादा रोष है, करने का प्रयास करें। आज भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार की हालत ये है कि हर वर्ग, चाहे वो युवा है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, व्यापारी हैं, अभिभावक हैं, महिलाएँ हैं, सब लोग दुखी हैं और सरकार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप कहते हैं डीएपी और खाद की कोई भी कमी नहीं रही, जबकि बड़ी बड़ी लाइनें रहीं, लॉ एंड ऑर्डर की बद से बदतर स्थिति है। इस तरह की सभी समस्याएं जो हैं हम आम जनमानस से जानने का प्रयास करेंगे और विधानसभा के अंदर और बाहर उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। विपक्ष के आवाज़ को दबाने का कोशिश किया गया, मेरा खुद कॉल अटेंशन था ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को लेकर कि एचपीएससी जैसी संस्था जिस पर काले दाग लग चुके हैं उस पर ये भर्ती ना दें, तो पहली बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों ने बहुत ही मजबूती के साथ अपना पक्ष, जनता की आवाज़ को वहां पर रखा और सरकार को मजबूर किया, स्पीकर को मजबूर किया। हाँ, स्पीकर कई जगह नज़र आए कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक की तरह कार्य कर रहे थे, तो अध्यक्ष हैं और यूनैनिमसली उनको 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 भी कुर्सी की मान मर्यादा पूरी तरह से रखनी चाहिए। और लेकिन कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों ने, सभी विधायकों ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पूरी मांगों को बहुत मजबूती से उठाने का काम किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।